हाय वीनवी के जटूरे, कैसे हैं आप? आज मैं बनाने जा रही हूँ ओनियन टमेटो की चटनी। ये इडली और डोसा में यूज होता है और प्लस आप इसे पराठे वगैरह के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो इसके बनाने के लिए अब हम रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन। अब मैं इसे थोड़ा गर्म करूँगी, ये मैंने कर दिया। और अब मैं इसमें तेल को ऐड कर देते हैं। अब ये तेल गरम हो जाने देते हैं और उसके बाद हमें ऐड करना है चुटकी भर हींग, जो हम इसे ऐड कर देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून के करीब जीरा और हाफ टी स्पून के करीब राई। ये मैंने राई ऐड कर दिया। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। ये अब मिक्स हो गया और अब इसमें जाएगा एक टीस्पून के करीब चना दाल और एक टीस्पून के करीब हमें उड़ीद दाल को डालना है। ये हमें उड़ीद दाल डाल दिया और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे तेज तवे में पकाना है और अब इसमें जाएगा जो मैंने लाल मिर्ची ली थी ना, वो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली है और वो जाएगा। मैंने 3 से 4 डाल दी इसमें और अदरक जो मैंने छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में डाल दी वो अब हम इसे डाल दिए। और अब जाएगा इसमें लहसुन जो मैंने 8 से 10 कलियां ली है वो इसमें ऐड करना है। और अब जाएगा 8 से 10 कड़ी पत्ते जो मैंने लिए हैं और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तेज तवे में इसे पकाएंगे। लगातार इसे चलाते रहना, इसे बिल्कुल भी जलने नहीं देना है। इसे हम 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते रहेंगे। अब ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गया। तो इसमें अब मैंने बड़े बड़े टुकड़ों के साइज के मैंने प्याज कट कर लिए, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। और इसे ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है। इसे तब तक पकाना है तब तक इसका क्रिस्पीनेस चला जाना चाहिए बस, यानी कच्चापन इसका नहीं रहना चाहिए। और इसे हम तेज तवे में पकाएंगे और लगातार चलाते रहेंगे। इसे जलने बिल्कुल भी नहीं देना है। और अब हम इसके लिए टमाटर मैंने कट कर लिया है, जो बिल्कुल प्याज के जितने बड़े टुकड़ों में है। ये एक्चुअली टमाटर हमें जितना प्याज लिया है ना उसका दुगुना लेना है। और अब हम इसे ऐड कर दिए और इसे लगातार तेज तवे में 8 से 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, जब तक यानी ये मैसी ना हो जाए। इसे हम लगातार चलाते रहें क्योंकि ये इसे बर्न होने बिल्कुल भी नहीं देना है। खानिए, ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसे आप डोसा के अंदर डाल के खाएंगे ना, इसका अलग ही टेस्ट आ जाता है। और पराठों वगैरह के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। इसे आप 5 से 6 दिन तक आप फ्रिज में रख दीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। और अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून के करीब नमक जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। और अब इसमें जाएगा हाफ टी स्पून के करीब चीनी। चीनी इसमें इसलिए डालना है ना ताकि ये जो चटनी है ना इस थोड़ा सा चटनी में मीठापन आए। और अब इसमें जाएगा इमली की प्यूरी जो मैंने वाटर पानी में पहले से बना के रखा था। ये ज़्यादा नहीं, 2 से 3 टीस्पून डालना है, काफ़ी है। ये मैंने इसमें ऐड कर दी। और अब इसमें जाएगा 2 हरी मिर्च जो मैंने ले रखी है, ये मैंने डाल दिया। और अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे मैसी टमाटर के मैसी यानी गलने तक। इसे एकदम पकाते रहेंगे एकदम तेज आंच में 8 से 10 मिनट तक लगातार। ये देखिए टमाटर गल रहा है ना।
ये देखिए टमाटर बिल्कुल ही गल चुकी है, यानी मैसी हो चुकी है। तो अब हम इसका चटनी बनाने के लिए रेडी करेंगे। और अब हम इसके लिए एक मिक्सर का जार ली हूँ, इसमें अब हम इसे इस मसाले को ऐड करेंगे और अब हम इसे अच्छे से पीसेंगे। इसे पीसना है दरदरा, इसमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है, तो आप इसे बिना पानी का ही आपको पीसना है। ये देखिए चटनी मैंने हल्का दरदरा पीसा है, बिल्कुल ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी। और अब हम इसे एक बॉल में सर्व कर लेते हैं। और इस चटनी को आप चाहें तो गर्म भी खा सकते हैं, चाहे आपका मन करे तो ठंडा भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।